दोस्तों पुराने जमाने के टीवी शो वाकई में शानदार और लाजवाब होते थे, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। खेलने कूदने और पढ़ाई करने में कम और टीवी शो देखने में ज़्यादा मज़ा आता था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 11 पुराने टीवी शोज की याद दिलाएंगे, जो अगर आज शुरू हो जाए तो बात ही अलग होगी। नंबर 1, सोनपरी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस शो को आपने ज़रूर देखा होगा। सोनपरी स्टार प्लस और स्टार उत्सव पर प्रसारित होने वाला एक काल्पनिक टेलीविजन धारावाहिक था, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद किया करते थे, ना केवल बच्चे बल्कि बूढ़े भी। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे कई भाषाओं में प्रसारित किया गया। इसमें फ्रूटी नाम की एक लड़की होती है जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया है। सोनपरी उसकी दोस्त बन जाती है और फ्रूटी के जीवन में खुशियाँ बढ़ जाती है। नंबर 2, शकलक बुम बुम। यह वही सीरियल है जिसमें संजू के पास एक जादुई पेंसिल होती है, जिससे अगर वो कुछ भी छापता है या लिखता है तो वो चीज उसके सामने प्रकट हो जाती है। पहले इसके 30 एपिसोड्स डीडी नेशनल पर प्रसारित किए गए, मगर इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसके बाद इसे स्टार प्लस और स्टार उत्सव पर भी प्रसारित किया गया। इस शो में संजू का रोल निभाया विशाल सोलंकी ने, और उनको देखकर हम भी उस जमाने में यह कल्पना करते थे कि काश हमारे पास भी ऐसी जादुई पेंसिल हो। नंबर 3, करिश्मा का करिश्मा। यह कहानी एक वैज्ञानिक विक्रम की है, जो एक ऐसे रोबोट का आविष्कार करता है जो बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखता है। वह उसका नाम करिश्मा रखता है। केवल विक्रम, उसकी पत्नी शीतल और उसके बच्चों को ही पता होता है कि करिश्मा एक रोबोट है। जनक शुक्ल ने इस शो में करिश्मा का किरदार बखूबी निभाया, जिसके लिए वह काफी प्रसिद्ध हुई। स्टार प्लस पर 24 जनवरी 2003 से लेकर 16 अप्रैल 2004 तक इस शो का प्रसारण किया गया। नंबर 4, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। यह भले ही एक भूतिया सीरियल था, मगर भूतिया से ज्यादा यह एक हास्य शो था। इस शो में मुख्य किरदार नटवर लाल ने लोगों को खूब मनोरंजित किया, जो कि एक भूत है। उसका शहर में बड़ा पाव का ठेला है और उसके कई दोस्त बन जाते हैं। नटवर भूत को अपनी आत्मा की शांति के लिए 100 अच्छे कार्य करने होते हैं, और यदि वो एक भी कोई गलत कार्य करता है तो उसके बदले में उसे 2 और अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। इस शो के विलन गप्पू को भी हम भूल नहीं सकते, जो कि एक शैतान भूत होता है और नटवर से बुरे काम करवाना चाहता है। नंबर 5, शरारत। यकीनन यह भी भुलाया जाने वाला टीवी शो नहीं है। इस शो के कुल 192 एपिसोड टीवी पर प्रसारित किए गए और इस शो ने लोगों से खूब तारीफें हासिल की। नंबर 6, कोई है। 90 के दशक में स्टार प्लस में प्रसारित होने वाला इस धारावाहिक की सबसे खास बात यह रही कि इस शो के एंड तक भूत मरते ही नहीं थे। ऐसे में इस शो ने काफी लोकप्रियता हासिल की। दर्शकों की कई चिट्ठियों के बाद इस धारावाहिक में एक्टर ममिक सिंह को विकराल का किरदार मिला, जो कि भूतों को पकड़ते थे। नंबर 7, हम 5। सन 1995 में प्रसारित हुए शो हम 5 ने हर किसी को हंसाया। इस शो के मुख्य किरदार रातों रात स्टारडम हासिल कर ली और प्रतिष्ठित टीवी कलाकार बन गए। आनंद की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, मगर फिर भी दीवार पर लगे फोटो के जरिए वह आनंद से बात करती रहती है। नंबर 8, ससुराल गेंदा फूल। यह धारावाहिक हास्य रोमांस और ड्रामा की श्रेणी का धारावाहिक है, जिसे घर घर ने देखा और पसंद भी किया। नंबर 9, दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव। इस धारावाहिक के बारे में बताने की किसी को आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि लगभग हर किसी ने इस धारावाहिक को देखा और पसंद किया। इस शो में श्रीति झा जानवी का किरदार और करणवीर बोरा विराज डोबरियाल का किरदार निभा रहे हैं। विराज को मानसिक बीमारी OCPD ऑब्सेसिव कंपल्सरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसके चलते वह और जानवी पर घरेलू हिंसा करता है। इस शो का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि जानवी की तरह ही कई घरों में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, मगर वो किसी को बता नहीं पा रही। घरेलू हिंसा के विरोध करने की चाह लोगों में जागृत करने के उद्देश्य से इस शो को निर्मित किया गया। इस शो के सेकेंड सीजन की भी मांग चल रही है। नंबर 10, अलिफ लैला। रामायण के बाद रामानंद सागर प्रोडक्शन की तरफ से यह दूसरा सीरियल था, जिसे 1994 में प्रसारित किया गया। बच्चों में लोकप्रिय इस धारावाहिक में 1001 कहानियों का संग्रह है। इसमें चमत्कार और जादू टोना की भरमार है। नंबर 11, चंद्रमुखी। डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले इस शो को हर किसी ने पसंद किया और इस शो के आते ही काम काज छोड़कर इसे देखने बैठ जाते। इस धारावाहिक की कहानी राजकुमारी चंद्रमुखी पर आधारित है, जो रूपनगर की राजकुमारी है, जिसको पाने के लिए अनेक राजकुमार आते हैं, मगर सबको चंद्रमुखी के महल में रहने वाले षड्यंत्रकारी बंदी बना लेते हैं, और आज भी लोग इस धारावाहिक को देखते हैं। इन 11 धारावाहिकों में से आपको कौन सा पसंदीदा धारावाहिक लगता है, कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।